हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टू फेस मेथड। फ्रेंड्स, टू फेस मेथड और बिग एम मेथड में क्या अंतर है? टू फेस मेथड एंड बिग एम मेथड। फ्रेंड्स, इन दोनों मेथड में सिर्फ यही अंतर है कि टू फेस मेथड में हम बिग एम मेथड में हम जो करते हैं उसमें हम सरप्लस वेरिएबल को जोड़ते हैं तथा उसके साथ जो अपना कोफिशेंट जोड़ते हैं वो माइनस एम जोड़ते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम माइनस एम जोड़ देते हैं, एम एक बहुत बड़ी पॉजिटिव संख्या होती है। और टू फेस मेथड में हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, जहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो भी अपने पास एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जो कोफिशेंट होते हैं उनको हम जीरो मानते हैं तथा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जहाँ माइनस एम होता है वहाँ पर माइनस वन रख के करते हैं। और जो इसमें फर्स्ट फेस में तो हम यही करते हैं, और सेकेंड फेस में हम जब ये हमारे पास माइनस वन दोनों से माइनस वन हम सिंपलेक्स टेबल को सॉल्व करने के बाद दोनों में से माइनस वन चला जाएगा, अब माइनस में चला जाएगा तो फिर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू रख के सिंपली सिंप्लेक्स मेथड के हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही डिफरेंस होता है बिग एम मेथड और टू फेस मेथड में। बिग एम मेथड हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आज जो हमें पढ़ना है वो है टू फेस मेथड। फ्रेंड्स, टू फेस मेथड के लिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं इसको। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जेड बराबर दिया हुआ है अपने पास एक्स वन प्लस एक्स टू एंड सब्जेक्ट टू, ये दिया है टू एक्स वन प्लस एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, एक्स वन प्लस सेवन एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन एंड एक्स वन एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसको सॉल्व करते हैं, और दिया हुआ है कि सॉल्व बाई टू फेस मेथड। अब फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन में चेंज करना होगा, इनइक्वलिटी को इक्वेशन में चेंज कर दिया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनमें सरप्लस वेरिएबल जोड़ते हैं। फिर सरप्लस वेरिएबल क्या होता है, जैसे जेड बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो यही होगा, और ये फ्रेंड्स फंक्शन दिया हुआ है मिनिमम जेड, तो मिनिमम जेड को सबसे पहले हमें मैक्सिमम में बदलना होगा। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम जेड बराबर माइनस मिनिमम जेड इक्वल टू माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू एंड फ्रेंड सब्जेक्ट टू, इसको चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा टू एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस, अब सरप्लेक्स वेरिएबल जोड़ दें तो वो हो जाएगा एक्स थ्री इक्वल टू फोर एंड एक्स वन प्लस सेवन एक्स टू माइनस एक्स फोर इक्वल टू सेवन। फिर से ये हो गया हमारे पास, जहाँ पे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड एक्स फोर सभी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हैं। अब फिर से ये हो गया है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों में हमें कहीं पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास ये होगा वो टू वन माइनस वन जीरो एंड वन सेवन जीरो माइनस वन, यहाँ पे कहीं भी इस पर टू क्रॉस टू का आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन रहा है। तो इसके लिए हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ने होंगे, जो होंगे हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम एक्स थ्री एंड सॉरी एक्स सिक्स सॉरी एक्स फाइव एंड एक्स सिक्स से डिलीट करेंगे, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स वन सब्जेक्ट, पहले तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो होगा हमारे पास मैक्सिमम जेड इक्वल टू। अब फिर से हम ये क्या करते हैं, टू फेस मेथड में, टू फेस मेथड में हम सभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो भी इसमें कोफिशेंट होते हैं उनको जीरो मान के चलते हैं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर जो भी इनके कोफिशेंट होंगे उनको जीरो लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा जीरो एक्स वन प्लस जीरो एक्स टू प्लस जीरो एक्स थ्री प्लस जीरो एक्स फोर। और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ेंगे हम वो होगा हमारा एक्स एक्स फाइव एंड एक्स सिक्स, तो उनके लिए माइनस एक्स फाइव एंड माइनस एक्स सिक्स ये लिखेंगे। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा सब्जेक्ट टू टू एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स थ्री प्लस एक्स फाइव इक्वल टू फोर एंड एक्स वन प्लस सेवन एक्स टू माइनस एक्स फोर प्लस एक्स सिक्स इक्वल टू सेवन, जहाँ पे एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फोर ऑल आई आई बराबर वन टू सेवन। फिर से ये है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ए बराबर हमारे पास क्या आ गया,
2 1 -1 0 1 0 एंड इससे आ गया अपने पास 1 7 0 -1 0 1। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे ये 2x2 की मैट्रिक्स बन चुकी है, तो हम इसको हम बेसिस ले लेंगे और बेसिस लेके हम एक सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। अब फ्रेंड्स सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं, इसको हम दे सकते हैं α1 α2 α3 α4 α5 α6। जो α5 और α6 है ये अपनी सिंप्लेक्स टेबल बना रहे हैं, इसकी ये बेसिस बनाते हैं, तो इसकी हेल्प से हम सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं। इसलिए हम फर्स्ट टेबल बनाते हैं, फर्स्ट टेबल बनाते हैं, तो उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं CB B XB B एंड यहाँ पे अपने पास CJ। अब फ्रेंड्स CJ में हम वैल्यू पुट करते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की होती है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या क्या है, 0 0 0 0 -1 -1, तो 0 0 0 0 -1 -1 ये हो गया। यहाँ पे x1 x2 x3 x4 x5 x6। अब फ्रेंड्स बेसिस क्या बना रहे हैं, हमारे पास बेसिस बना रहे हैं अपने पास α5 और α6, तो यहाँ बेसिस बना रहे हैं तो α5 α6। अब इनकी कॉस्ट वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे -1 -1, तो ये -1 -1। xb में फ्रेंड्स यहाँ पे x5 के करस्पॉन्डिंग है या x6 के करस्पॉन्डिंग है, और b की वैल्यू क्या है आपके पास, 4 और 7। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक और पुट कर देते हैं, तो 2 1 1 7 -1 0 0 -1 1 0 0 1 ये हो गया। अब फ्रेंड्स zj-cj निकालते हैं, अब zj-cj निकालते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास -3 -8 1 1 0 0। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं मिनिमम zj-cj, मिनिमम zj-cj क्या है, ये -8 जो α2 होगा, जो एंट्रिंग वेक्टर होगा, इससे α2 एंट्रिंग वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे, x2 के करस्पॉन्डिंग है तो α2 एंट्रिंग वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालते हैं हम xbi/yi2, फिर से 2 के करस्पॉन्डिंग है तो yi2 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 और 1। अब फिर यहाँ पे हम देखते हैं मिनिमम xbi/yi2, तो ये मिनिमम xbi/yi2 क्या है, 1, जो कि x6 से करस्पॉन्डिंग है, जो x6 होगा वो लिविंग वेक्टर हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे हमने निकाल लिया कि α2 है वो एंट्रिंग वेक्टर है और α6 है वो लिविंग वेक्टर है। अब हम इसे नई सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं। अब फ्रेंड्स नई सिंप्लेक्स टेबल बना रहे हैं, तो इसमें हमें ये देख चुके हैं कि α6 जो है वो लिविंग वेक्टर है, और α6 किससे जुड़ा हुआ है, ये RT-PCL से जुड़ा हुआ है, तो RT-PCL से जुड़ा है इसलिए हम α6 को इस पर नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा जो वैल्यू होंगे वो x1 x2 x3 x4 x5 इनकी होंगी, x6 को हम नहीं लिखेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे CJ में 0 0 0 0 -1। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिस है, बेसिस क्या क्या बनाएंगे, बेसिस यहाँ पे हम बनाएंगे α6 की जगह α2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा α5 और α2। अब यहाँ कॉस्ट वैल्यू इसकी क्या है, इसकी वैल्यू -1 और इसकी 0, ये हो गया। फिर ये x5 x2। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे α2 एंटर कर रहा है तो यहाँ पे हमें 1 बनाना होगा, तो 1 बनाने के लिए सभी को 1 से 7 से डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा 1 1/7 1 0, यहाँ पे -1/7 और 0, ये हो गया। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पे करना है, क्योंकि ये बेसिस बना रहा है तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, 0 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, अगर हम इसमें से इस रो में से फर्स्ट रो में से इस रो को घटा दें तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास साथ ही पॉजिटिव रखना है तो ये पॉजिटिव भी रहेगा, तो ये हो जाएगा 4-1 = 3,
ये हो जाएगा 2 माइनस 1 बाई 7, तो ये हो जाएगा अपने पास 13 बाई 7, ये हो जाएगा 0 माइनस 1, ये हो जाएगा अपने पास 1/7, और ये हो जाएगा 1। अब फिर से हम जेड जे माइनस सी जे निकालते हैं, तो जेड जे माइनस सी जे निकालते हैं, तो जेड जे माइनस सी जे यहाँ पे आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा -13/7, ये जेड जे माइनस सी जे 0, ये अपने पास 1, ये फ्रेंड्स अपने पास हो जाएगा -1/7, और ये हो जाएगा 0। अब फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास, तो फिर हम देखते हैं मिनिमम माइनस, हम मिनिमम देखते हैं जेड जे माइनस सी जे। अब मिनिमम जेड जे माइनस सी जे क्या है, ये है -13/7, तो जो अल्फा वन होगा वो एंट्रिक वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि अल्फा वन से रिलेटेड है। और अब हमें इसमें लिविंग वेक्टर देखने के लिए हमें निकालना होगा xvi/yi1। अब हमें फर्स्ट उस कॉलम से रिलेटेड निकालना होगा, तो निकालना है 3/13/7, 3/13/7 फ्रेंड्स ये हो जाएगा अपने पास 21/13, और ये हो जाएगा 1/1/7, तो ये हो जाएगा 7। अब फ्रेंड्स यहाँ पे भी हम देखते हैं मिनिमम xbi-yi1, ये देखते हैं, तो ये अपने किससे रिलेटेड है, ये अपने रिलेटेड है एक्स अल्फा फाइव से रिलेटेड है, तो एक्स जो अल्फा फाइव होगा वो लिविंग वेक्टर हो जाएगा। अब फिर से हम नई सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं, तो नई सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं cbbxbbcj। x1 x2 x3 x4, फिर इस बार हम x5 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि x5 जो था वो आर्टिफिशियल से जुड़ा हुआ था अपना, जो आर्टिफिशियल है तो उसको निकाल देंगे। अब ये हो जाएगा अपने पास 0 0 0 0, और ये हो जाएगा अल्फा फाइव की जगह हमारे पास अल्फा वन आया है, तो ये हो जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2, और कॉस्ट वैल्यू दोनों की 0 0, x1 x2। ये फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको हमें 1 बनाना है, क्योंकि x1 वाले को इसको हमें 1 बनाना होगा, तो हमें 13/7 का डिवाइड दोनों तरफ करना होगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 21/13, 1 0 -7/13 एंड 7/13। अब फिर से हमें इसको 0 बनाना है, इस टर्म को 0 बनाना है, हमें इस टर्म को 0 बनाना है, इसके लिए यहाँ पे 0 चाहिए हमें, यहाँ पे हम पहले भी लिख सकते हैं 0। अब इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसा इस तरह से 0 बनाना है कि ये 0 बन जाए, और साथ में ये जो वैल्यू रहे ये पॉजिटिव रहे, यानी कि इसकी जो फिजिबिलिटी कंडीशन है, ये फिजिबिलिटी कंडीशन कहलाती है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये फिजिबिलिटी कंडीशन है, ये अप्लाई रहे। तो ये फिजिबिलिटी कंडीशन के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम 21 इसमें 7 का डिवाइड कर दें, हम इसमें 7 का डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा अपने पास 3/13, और 3/13 तो 1 - 3/13 कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो हमें इसमें 7 का डिवाइड करना होगा, और इस टर्म में से इसमें जो 7 का डिवाइड करने पर जो आएगी अपने पास उसको माइनस करना है, तो फ्रेंड्स ऐसा करने पर ये आ जाएगा हमारे पास 10/13, 0 ये 1 1/13 -2/13। फ्रेंड्स ये हो गया, अब हम निकालते हैं जेड जे माइनस सी जे। अब जेड जे माइनस सी जे निकालते हैं, तो जेड जे माइनस सी जे आता है अपने पास 0 0 0 0, चूँकि जेड जे माइनस सी जे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे टेबल है जो ऑप्टिमल है। अब फ्रेंड्स हम चेक करते हैं, अगर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहले था, ये जो वैल्यू थी अपने पास 1 1, ये वैल्यू थी -1 एंड -1 वाली वैल्यू, इनको रखें तो उस कंडीशन में हमारे पास जो कंडीशन है वो चेंज नहीं होनी, उस कंडीशन में अपने पास सिंपलेक्स टेबल क्या होती है ये देखते हैं। अब टू फेस अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स ये तो अपना फर्स्ट फेस था, ये फर्स्ट फेस था जो हमने किया, टू फेस अप्लाई किया, तो हमने इसको करेंगे सी बी बी
एक्स बी बी सी जे, और टू फेस अप्लाई करने पे इसकी वैल्यू ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर। और जो फ्रेंड्स कॉस्ट वैल्यू होंगी वो हो जाएगी माइनस वन जीरो जीरो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कॉस्ट वैल्यू रखनी है हमें, तो ये माइनस वन ये अल्फा टू एक्स वन एक्स टू 21/13 10/13 ये हो जाएगा अपने पास 1/0 जीरो वन माइनस 7/13 1/13 7/13 माइनस 2/13। अब फ्रेंड्स जेड जे माइनस सी जे फिर से हम चेक करते हैं, जेड जे माइनस सी जे चेक करते हैं, तो जेड जे माइनस सी जे देखते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा 0 0, ये हमारे पास आ जाएगा 6/13 ये हो जाएगा 1/13। अब फ्रेंड्स चूंकि सभी जेड जे माइनस चूंकि जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सो टेबल इज ऑप्टिमल। फ्रेंड्स टेबल ऑप्टिमल है अपने पास, तो ये ऑप्टिमल है, तो ये हमारे पास वैल्यू दे रहा है एक्स वन एंड एक्स टू की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है अपने पास 21/13 और 10/13। एंड फ्रेंड हमें निकालना है मिनिमम, हमें जो निकालना है वो अपने पास मिनिमम जेड बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू ये निकालना है। तो हमें सबसे पहले मैक्सिमम निकालना होगा, मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम में चेंज किया तो माइनस मैक्सिमम जेड बराबर क्या होता है माइनस मिनिमम जेड, यानी कि माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू। तो ये हो गया मैक्सिमम जेड बराबर हो गया माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू दोनों को जोड़ दिया तो फ्रेंड्स ये आ गया अपने पास 31/13 माइनस का। लेकिन हमें माइनस इसमें रिलेटेड क्या होता है, मिनिमम जेड बराबर माइनस मैक्सिमम जेड, अब फिर ये रिलेशन होता है तो मैक्सिमम जेड आ गया अपने पास, फिर जो मैक्सिमम जेड आ गया तो मैक्सिमम जेड ये आ गया अपने पास। यहाँ पे भी हम वैल्यू सीधे पुट कर सकते हैं, तो वो आ जाएगा अपने पास 10/13 + 21/13 31/13 जो फ्रेंड्स हमारे पास आंसर होगा इसका।